जय भीम नव बुद्धाय साथियों, चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। साथियों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना भी ना भूलिए। आज दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम एक वीडियो लेकर आए हैं। वास्तविकता बहुत सारा दिनों के बाद हम यूट्यूब पर ये वीडियो बना रहे हैं। बहुत जगह पर, जैसे कि हम भारत का इतिहास देखते हैं, यानी कि आज़ादी के बाद, हम ये कह सकते कि आज़ादी के बाद का इतिहास भी भारत का बहुत, हम ये कह सकते कि बहुत ही दो अलग अलग विचारधाराओं के संघर्ष की बात सामने आती है। 1956 में, 14 अक्टूबर 1956 में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने, उनका एक अलग, हम ये कह सकते हैं कि बाबा साहब ने एक आचार संहिता लोगों को दी, क्यों हम अभी बौद्ध हो रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, और बौद्ध होने के लिए कुछ करार हमसे किए गए हैं ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे समझें। पहले तो बात, बाबा साहब ने ये कहा कि आप जिस दुखों से पीड़ित है, उस दुखों से पीड़ित होने के कारण बताए हैं कि आप कौन से दुखों से पीड़ित है। पहले दुख बताया कि कौन से दुखों में आप पीड़ित हैं, उसके बाद उस दुखों का कारण बताया, उसके बाद उस कारण का निवारण हो सकता है ये भी बताया, और आखिरी में बाबा साहब ने उसके ऊपर कौन से मार्ग से निवारण हो सकता है ये भी बताया। इसके लिए बाबा साहब धर्मांतर को ज़्यादा महत्व देते हैं। हालांकि आज लोग उस बात को अलग ढंग से देखते हैं, लेकिन बाबा साहब इन्हें धर्मांतर के नाम से ज़्यादा देखते हैं। अभी बात आती है 56 के बाद, जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था, महापरिनिर्वाण के बाद बाबा साहब के जो अनुयायी थे वो अलग अलग विभागों में, अलग अलग गटों में बांट गए, या उन्हें बांटा गया। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि ये जो हमारी व्यवस्था थी, इस व्यवस्थाओं ने इन लोगों को आसानी से बांट दिया, क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जिनके मन में अलग अलग भावनाएं थी, अलग अलग भाव थे, तो जाहिर सी बात है जैसे बुद्ध के बाद संघ का भी इस तरीके से अलग अलग भाग हुए थे, वैसे ही बाबा साहब के बाद बाबा साहब के विचारधाराओं के भी अलग अलग भाग हो गए, अलग अलग लोगों ने उसके टुकड़े में विभाजित कर दिया। उसके बाद बाबा साहब के ये जो धम्म चक्र का मिशन था कि मैं भारत को बौद्धमय करना चाहता हूँ, भारत को बौद्धमय करूँगा, तो ये जो बाबा साहब की कंसेप्ट थी, इसको ये लोगों ने, हम ये कह सकता हूँ कि इन लोगों ने इस कंसेप्ट को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया। करना क्या शुरू किया इन लोगों ने, यही करना शुरू किया कि एक विशिष्ट संप्रदाय के ऊपर टिक्का टिप्पणी जाहिर सी शुरुआत हो गई। बल्कि ये बाबा साहब 1935 के पहले ये सब कर चुके थे, और उन्हें पता चला कि भाई ये हो नहीं सकता। इसके लिए 1936 में बाबा साहब मुक्तिकोण पथे में कहते हैं कि नामांतर से भी पहले हमें धर्मांतर की ज़रूरत है, और आर्थिक उन्नति से भी पहले बाबा साहब ये कहते कि हमें धर्मांतर की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे धर्मांतर ही हमारे सारे प्रश्नों का या सारे समस्याओं का हल है, क्योंकि अगर हम इस विचारधाराओं को छोड़ते नहीं है तो जाहिर सी बात है हमारी आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती, हमारी सामाजिक उन्नति हो नहीं सकती, हमारी शैक्षणिक उन्नति नहीं हो सकती। तो इसके कारण बाबा साहब ने धर्मांतर को ज़्यादा महत्व दिया। इसके बाद प्राचीन काल से बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हमारे भारतवर्ष में देखने जाएंगे तो बहुत पैमाने पर हुआ है, और जिसके बाद जब हम सोचने जाएंगे तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक के शासन काल में हमें इसका जवाब मिलता है कि किस तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। इसके लिए सम्राट अशोक के शिलालेखों से ये बात पता चलती है कि सम्राट अशोक अपने शिलालेखों में कहते हैं कि अगर दूसरे की संप्रदायों की निंदा करते हो तो खुद के संप्रदायों की हानि करना जैसे है। सीधी सीधी बात है, अगर आप किसी दूसरे धर्म की निंदा या उसके परी कड़ी निंदा करते हो तो जाहिर सी बात है वो आपके खुद के संप्रदाय की, खुद के विचारधारों की हानि करने जैसा है। इसके लिए सम्राट अशोक ये कहते हैं कि सभी संप्रदायों का आदर करना चाहिए, ना कि अनादर।
ये बात बहुत ही अहम है जो लोगों को ये पता नहीं है, जो लोग इस तरीके से बर्ताव करते हैं उनके लिए ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी धर्म से है, किसी भी जाति से है या किसी पंथ से, ये कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप एक इंसान है तो इंसान को जीने के लिए, जो जीवन जैसे जीने के लिए लगता है उस तरीके से उसको जीना चाहिए, ना कि एक दूसरे से द्वेष की भावनाएं बढ़ाकर आप इस सृष्टि में, ये कह सकते कि सृष्टि या प्रकृति में आप अपना अस्तित्व नहीं बना पाओगे। क्योंकि हर सृष्टि के इस प्रकृति में अलग अलग वन्य जातियाँ हैं, पशुओं की जातियाँ हैं, पक्षियों की जातियाँ हैं, जितने जितने जीवों की जाति हम देखने जाएंगे तो अलग अलग भिन्न भिन्न विभिन्न लोगों का या इस जीवों का इस प्रकृति में हमें अस्तित्व देखने के लिए मिलता है। तो जाहिर सी बात है चक्रवर्ती सम्राट अशोक ऐसे सभी को मायने रखते हुए, सभी के बारे में सोचते हुए अपना शासन चलाया था। इसीलिए वो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सबसे सामर्थ्यशाली शासन हुआ है, क्योंकि उसमें धम्म की विचारधारा लोगों के अंतर में उमड़ी और लोगों ने उसका आचरण करना शुरू किया, तभी तो जाकर वो विश्वगुरु कहलाया गया। भारत विश्वगुरु कहलाने के लायक तभी हुआ जब भी बुद्ध की विचारधारा लोगों ने अपने जीवन में उतारी। ऐसे ही विश्वगुरु नहीं हो सकते, क्योंकि उसके लिए अपने आचरण में बदल होना चाहिए। अगर आप किसी एक ही विचारधाराओं के आधीन है या किसी एक ही परंपराओं के अधीन है तो जाहिर सी बात है आप इस देश को ही नहीं, आपको भी खुद आगे नहीं लेकर जा सकते हैं। ये इतिहास है। तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक का ये जो इतिहास है ये हमें यही बताता है कि इस देश में भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, एक दूसरे से द्वेष करने से अच्छा एक दूसरे की बात समझो, एक दूसरे की निंदा करने से अच्छा है एक दूसरे से प्रेम भाव से आगे बढ़ने की सोचो। अगर कोई अलग संप्रदाय का व्यक्ति है तो ना उसके संप्रदाय की आप निंदा करो, उसका संप्रदाय उसके लिए महत्वपूर्ण होगा, वैसे ही आपका संप्रदाय आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो बात सीधी सी है कि आपको क्या करना है, आपको अपने संप्रदाय की ना ही तो ज़्यादा स्तुति करनी है, क्योंकि सम्राट अशोक यही कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा स्तुति भी किसी संप्रदाय की नहीं करनी चाहिए, वो भी उसके लिए हानिकारक होता है। और किसी की निंदा करना ये भी खुद के संप्रदाय को और खुद के विचारधाराओं को हानि पहुँचा सकते हैं। और लगभग हमने देखा है कि भारतवर्ष में अलग अलग संप्रदाय अलग अलग विचारधारा ने जन्म लिया है, और जो जन्मा हुआ विचार है वो विचार कुछ सालों के बाद, क्योंकि उसने दूसरे विचारधाराओं से स्पर्धा की और दूसरे विचारधाराओं का सम्मान नहीं किया है, दूसरे विचारधाराओं का विडंबन किया है, तो जाहिर सी बात है साथियों ये सारी बातें आपके सामने आती है। वैसे वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आज जितने हमारे भारत में बौद्ध लोग हैं उनको, उनसे यही अपील है कि आप अपने अंदर भगवान बुद्ध की विचारधाराओं को सामने लाओ। जब आपके आचरण में ही बुद्ध की विचारधारा देखने लगेगी तभी लोगों को ये पता चलेगा कि वाकई में भगवान बुद्ध के धम्म की विचारधारा सबसे महत्वपूर्ण है, और तभी लोग उसके पास आ सकते हैं। आप किसी का द्वेष करोगे तो जाहिर सी बात लोगों की भगवान बुद्ध की विचारधारा द्वेष तो करने नहीं सिखाती। आप किसी का निंदा करेंगे तो जाहिर सी बात होगी, अगर ये बुद्ध की विचारधारा किसी को निंदा करने तो नहीं सिखाती, तो ये सीधी सी बात है। जैसे आप अभी बुद्ध के विचारधाराओं के ऊपर चलने लगे हैं तो जाहिर सी बात है आप बुद्ध को फॉलो करना चाहिए, बुद्ध की विचारधाराओं को फॉलो करना चाहिए। केवल फॉलो करना नहीं चाहिए, उसका अनुसरण भी उतना महत्वपूर्ण होता है। फॉलो का मतलब दो तरीके से होता है, या तो वो सुनो और चलो, उसको आचरण में नहीं लाते, हमने सुना है और चले हैं, वो आचरण में नहीं आया तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि उसका अनुसरण नहीं हुआ है, तो वो जस्ट आपने फॉलो किया। जैसे कि कोई एक जानवर को अगर कोई मार्ग दिखाते हैं तो उस मार्ग पर ही चलता है, उस रास्ते पर ही चलता है, लेकिन रास्ते में आया हुआ अनुभव वो लेता नहीं है, क्योंकि उसको बस चलना बताया है तो वो खुद चलता है। तो इसी तरीके से बुद्ध का जो मार्ग है वो निर्वाण का मार्ग है, दुख मुक्ति का मार्ग है। इसमें हमें, सीधी सी बात है, इसमें हमें
अनुसरण करना जरूरी है, तभी हम आगे जा सकते, दुखों से मुक्त हो सकते। तो ये बुद्ध की विचारधारा सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में हजारों सालों के बाद लिखकर आज भी हमें वो बताते हैं। और बाबा साहब ने हमें 56 में जो धम्म की दीक्षा दी है, यानी कि धम्म के विचारधाराओं में लाया है, तो जाहिर सी बात है हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी से हमें काम करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये समझना चाहिए कि आपको बाबा साहब ने दिए हुए मार्ग पर चलना है। बस मार्ग पर चलते समय आपको बुद्ध का अनुसरण करना है, ना कि सिर्फ मार्गक्रमण करना है। तो अनुसरण करते करते आपको मार्गक्रमण करना है, यही आज की वीडियो में हमें बताना था। साथियों, बहुत सारे लोगों के अलग अलग बातें हमें देखने के लिए मिलती है, लेकिन साफ तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर बाबा साहब के सिपाही हो या बाबा साहब के सिपाही हो, बाबा साहब के सैनिक हो, तो सीधी सी बातें आपको बौद्ध धम्म के अनुसार ही चलना पड़ेगा, आपको बुद्ध की शिक्षा के अनुसार ही चलना पड़ेगा, आपको चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने बताए हुए राह पर ही चलना पड़ेगा। तो ये हमारे देश का इतिहास है, हमारे पूर्वजों का इतिहास है, तो इसे हमें कंटिन्यू करना चाहिए, इसको हमें आगे लेकर जाना चाहिए। आने वाले पीढ़ी को ये बताना चाहिए कि किसी की निंदा करने से हमारा भला नहीं होता है, या किसी को बुरा कहने से हमारा भला नहीं होता है, तो अच्छे के साथ अच्छा बर्ताव करना भी उतनी ही महत्वपूर्ण बात होती है। साथियों, अगर कोई बंदा आपसे द्वेष करता है, तो ना तो आप उसी तरीके से उसका द्वेष करने की कोशिश करो, बस उसके प्यार से देखो। हर दुनिया में हर जीवों से प्यार से देखोगे तो ये मैत्री भावना बहुत ही बड़ी है, और इस मैत्री भावनाओं से आप दुनिया भी जीत सकते हैं। लोगों को जीतने की कोशिश करनी चाहिए, ना तो लोगों का द्वेष करना चाहिए। हालांकि लोग होते हैं, मगर हमें इस मार्ग पर चलना चाहिए, और हमारा इस मार्ग भगवान बुद्ध का मार्ग है, हमारा मार्ग चक्रवर्ती सम्राट अशोक का है, हमारा मार्ग सातवाहन सम्राटों का है, हमारा मार्ग बाबा साहब का है, हम उस मार्ग पर जाने वाले लोग हैं। तो सीधी सी बातें हमारा ध्येय वही होगा, दुखों से मुक्ति का मार्ग, और हमें सभी को दुखों से मुक्त करना चाहिए। तो वो कौन से भी संप्रदाय का हो, कौन से भी धर्म का हो, कौन से भी भाषा का हो, या कौन से ही देश का हो, क्यों ना हो, हमें उसको दुख मुक्त करने का मार्ग बताना है। बस आप अपना मार्ग बताते रहिए, उनको अच्छा लगेगा तो वो देख लेख लेंगे, या उनको अच्छा लगेगा तो उस पर चलेंगे, लेकिन किसी और संप्रदाय का निरंतर टीका टिप्पणी या किसी और संप्रदाय के भावनाओं का या आस्थाओं का विडंबन ना करें, या उनका विटंबन ना करें, ताकि लोगों की उस भाव उनकी भावनाएं उससे जुड़ी होती है। तो भावनाओं की कदर करना सीखियो, तभी आपको पता चलेगा कि मैत्री भावना कितनी बड़ी होती है, और आप सभी को ये मैत्री भावना आपके अंदर जब पैदा होती जाएगी, तभी आपके अंदर में ये जो हम कहते हैं पद्मपाणि बोधिसत्व की जो अवस्थाएं हैं, वो आपके अंदर जागृत होने लगेगी, कि धीरे 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 आप इस मार्ग पर चलने लगोगे। तो साथियों, यही था आज का टॉपिक, और आज के टॉपिक में हमने ये बताने की कोशिश की है कि आप भी किसी धर्म की या किसी संप्रदाय की निंदा नालच से ना करें, और 1956 से लेके आज तक जो लोग हमें ये राह पर लेकर गए थे, आज वो राह वहीं पर छोड़कर हमें बाबा साहब की राह पर रिटर्न चलना पड़ेगा। और किसी धर्म या संप्रदाय की निंदा ना करते हुए सभी मनुष्य प्राणियों को, सभी सजीवों को मैत्री करुणा से देखो, तभी आप दुखों से मुक्त हो जाएंगे और बुद्ध की शिक्षा जन जन तक पहुँच जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नए वीडियो में। हमारा काम है कोई अलग टॉपिक पर वीडियो बनाए और लोगों को बताए। हमारा काम ये कि हमारे जो मॉन्यूमेंट्स है उसको प्रिजर्व करके, उसको प्रिजर्वेशन का काम हो या कंजर्वेशन का काम हो, या हमारे धम्म की बातें लोगों तक पहुंचाना है, तो ये चक्रवर्ती का काम है। तो यहाँ पे आपको ब्लॉग नज़र में आएंगे, यहाँ पे आपको ऐसे स्टूडियो में बैठे बैठे लोगों को बताने वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे, तो ये, और कभी कभी आपको लेनी के ऊपर काम करते हुए या किसी अन्य जगह पर काम करते हुए अलग अलग वीडियो सामने आएंगे। तो साथियों, यही काम हमारा है, और लोगों को बताना भी हमारा काम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि वाकई में हमें क्या करना चाहिए। और जल्द से जल्द आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जितना ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तभी तो हमें आपको कुछ बहुत कुछ बताने के लिए मिल जाएगा। तो साथियों, मिलते हैं
नए वीडियो में, ऐसे ही नए टॉपिक में, और क्या क्या होता है इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि शेयर करोगे तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट में अभिप्राय ज़रूर दीजिए। कमेंट में आपके अभिप्राय देने के बाद हम और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी बता सकते हैं, उस टॉपिक को हम वीडियो बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम ज़रूर कुछ नई बात बताने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को भी ये YouTube का जो प्लेटफॉर्म है इसके बारे में नई नई जानकारी देने की कोशिश करेंगे, ताकि डिजिटल, आज का ज़माना डिजिटल हो चुका है तो धीरे धीरे सारे लोगों को डिजिटल की तरफ लाते हुए सभी को डिजिटल तरीके से बौद्ध धर्म भी बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को जय भीम नव बुद्धाय।